हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील रोहिला आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर मास्टर क्लास पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके लिए एक अच्छी खबर है। हरियाणा राज्य परिवहन की तरफ से चालक परिचालक व हेल्पर की इन्होंने वैकेंसी निकाली है। आइए देखते हैं फुल डिटेल में क्या क्या नोटिस में लिखा है। हरियाणा राज्य परिवहन के विभिन्न डिपुओं, चालकों, परिचालक, हेल्पर, मैकेनिक हेल्पर, विद्युत कार व हेल्पर टायर मैन हेतु हरियाणा सरकार द्वारा जारी हिदायत नीचे योग्यतापूर्ण और उम्मीदवारों से कौशल वीजा, ये देखो भाई मेन चीज़ ये है कि कौशल रोजगार निगम पोर्टल के मतलब इसके तहत निकाली गई है वैकेंसी। इसमें क्या दिखाया गया आपको कि चालक 5 दिन की ट्रेनिंग होगी, उसके लिए कोई मेहनताना राशि नहीं दी जाएगी। चालक हेतु 3 वर्ष पुराने लाइसेंस की वैधता दी जाएगी। टेस्ट उपरांत आगामी उचित कार्रवाई की जाएगी। चालक के लिए 3 साल का भाई और लाइसेंस पुराना लाइसेंस चाहिए। बाकियों के लिए आगे बात करते हैं। देखिए डग टेस्ट व रोड टेस्ट लिए जाएंगे चालक के लिए बात है तो इनमें क्या क्या है कि आपको एज है जो आपकी 18 से 42 वर्ष तक होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के आयु को आवेदकों को ऊपर आयु में हरियाणा सरकार की हिदायतों के अनुसार छूट दी जाएगी। प्रार्थना पत्र के साथ जमा करने वाले दस्तावेज आपको अलग अलग डिपुओं में जिसमें ये वैकेंसी आई है वहाँ आपको देखो सभी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, 10वीं के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, जन्म तिथि तथा व 10वीं तथा हिंदी संस्कृत भाषा की जानकारी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, परिचालक लाइसेंस, ITI प्रमाण पत्र, अनुभव अप्रेंटिस प्रमाण पत्र की प्राप्ति, परिवार पहचान पत्र मतलब फैमिली ID भाई आपकी, जाति प्रमाण पत्र की प्राप्ति, अन्य कोई प्रमाण पत्र यदि डिपो द्वारा जारी शर्तों के अनुसार हो तो। चालक पद की योग्यता है भाई आपकी मैट्रिक 10वीं पास, भारी वाहन चालक अनुभव यदि हो तो डिपो द्वारा जारी विज्ञापन का अवलोकन करें। उम्मीदवार को वर्णदाता नहीं होनी चाहिए, मतलब उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए भाई, और मेडिकल फिट होना चाहिए आपका। हिंदी और संस्कृत की भाषा 10वीं तक का होना चाहिए आपका। परिचालक मैट्रिक, परिचालक लाइसेंस, अनुभव हो तो अच्छा है। हेल्पर के लिए मैट्रिक पास, संबंधित ट्रेड के ITI पास होना चाहिए भाई इनको। हरियाणा रोडवेज में अप्रेंटिस करने वाले को वरीयता दी जाएगी, जिन्होंने हरियाणा रोडवेज से अप्रेंटिस किया है मतलब कोर्स किया है जो, उनको अनुभव हो तो अच्छी बात है। डिपो देख लो अपने कौन कौन से भाई, इसमें भिवानी डिपो हैं, इसकी अंतिम तिथि है यहाँ पे 15 अप्रैल है चालक परिचालक और हेल्पर के लिए। सिरसा में 15 अप्रैल है, यहाँ पर हेल्पर की वैकेंसी नहीं है चालक परिचालक की। इसी तरह फरीदाबाद की भी है, जींद की है, कैथल की भी 18 अप्रैल की है भाई, इसमें तीनों है। हिसार की 19 अप्रैल की लास्ट डेट है, तीनों है। चरखी दादरी तीनों है 19 अप्रैल। दिल्ली की है 20 अप्रैल। हरियाणा का एक डिपो दिल्ली डिपो में भी है, दिल्ली में भी है आपका, ठीक है। तो चंडीगढ़ में भी आपका, इसमें भी चालक परिचालक है आपका। सोनीपत में भी चालक परिचालक है 20 अप्रैल। पानीपत की भी तीनों वैकेंसी हैं भाई, चालक परिचालक हेल्पर की। अंबाला की भी तीनों हैं। करनाल की भी चालक परिचालक है, जज्जर की भी तीनों है भाई 20 अप्रैल लास्ट डेट है। फतेहाबाद की 21 अप्रैल लास्ट डेट है चालक परिचालक हेल्पर की। गुरुग्राम की आपकी तीनों ही है। कुरुक्षेत्र की भी आपकी 29 अप्रैल लास्ट डेट है, तीनों ही वैकेंसी इसके अंदर आपकी है, ठीक है। तो आप नोटिस देख सकते हैं, तो आप अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप जल्दी से जल्दी हरियाणा कृषि जो अपना हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर है वहाँ पर आप जल्दी से इसको रजिस्टर करवा लीजिए और संबंधित डिपो पर कार्यालय में जमा जो अपने प्रार्थना पत्र हैं, योग्यता दस्तावेज हैं वो जमा करवाइए, ठीक है। तो ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना भाई, और जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे आने वाली खबरें आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।